क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आईपीएल 2020 के सबसे रोमांचक और फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स एक दूसरे से भिड़ी। इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उसके बाद दिल्ली की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोनिस और शिखर धवन अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में बड़ी ओपनिंग साझेदारी देने में पूरी तरह फेल हो गए। मार्कस स्टोनिस को इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बुल ने क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मार्कस स्टोनिस बिना खाता खोले ही इस महामुकाबले में पवेलियन की राह चल पड़े। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे को ट्रेंट बुल ने अपनी दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। रहाणे ने सिर्फ 4 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली। शुरुआती ओवर में विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से दबाव में चल रही थी। अब यहां से सबको लगा कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिखर धवन अपनी टीम को पारी को संभाल लेंगे, लेकिन शिखर धवन को भी पारी के चौथे ओवर में जयंत यादव ने महज 15 रनों पर क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की पूरी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। पारी के चौथे ओवर तक दिल्ली की टीम ने इस महामुकाबले में 22 रनों पर अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब यहां से दिल्ली की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा नए बल्लेबाज ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर था और इन दो अनुभवी खिलाड़ियों ने इस अहम मुकाबले में अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए यहां से दिल्ली की पारी को संभालना शुरू कर दिया। इन दोनों ने 10वें ओवर तक दिल्ली की टीम को 70 रनों के पार पहुंचाया। एक समय पर मुंबई की गेंदबाजी के आगे कमजोर दिख रही दिल्ली के इन दो धुरंधरों ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इसी बीच पारी के 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने इस फाइनल के बड़े मंच पर 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी 15वें ओवर की 6ठी गेंद पर नथन कुल्टर नाइल ने अर्धशतक बनाने के बाद ऋषभ पंत को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई की टीम को एक अहम घड़ी में बड़ी सफलता दिलाई। ऋषभ पंत ने 38 गेंदों पर 56 रन बनाए। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद सिमरन हेटमायर को भी ट्रेंट बोल ने सिर्फ 5 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब अंतिम ओवरों में दिल्ली की टीम को इस फाइनल मुकाबले में बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा सेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन दो ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मानी जाने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंतिम ओवर में दिल्ली की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर की 50 गेंदों में 65 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में 156 रनों का एक बड़ा टारगेट मुंबई इंडियंस की टीम। उसके बाद दिल्ली से मिले 157 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई टीम की शुरुआत इस मुकाबले में धमाकेदार रही। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने इस फाइनल मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए पहले 4 ओवरों में मुंबई की टीम को 40 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पारी का 5वां ओवर डाले मार्कस स्टोनिस ने अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। डिकॉक ने इस फाइनल मुकाबले में 12 गेंदों में तेज तर्रार 20 रन बनाए। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मुंबई की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव ने अपने कप्तान रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाते हुए मुंबई की पारी को संभाला और 10 की औसत से मुंबई के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 10 की औसत से 61 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए और इन दोनों ने आगे भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखा। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने पारी के 10वें ओवर तक मुंबई का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन पारी के 11 ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को ऋषभ पंत ने रन आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 20 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने अपने कप्तान के साथ मिलकर इस फाइनल मुकाबले में मुंबई की टीम को जीत के काफी नजदीक ले आया। अब मुंबई की टीम को अंतिम 5 ओवरों में 31 रनों की आवश्यकता थी और रोहित शर्मा और ईशान किशन पूरी तरह सेट हो चुके थे और इन दोनों ने अंतिम ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में जीत दिलाते हुए मुंबई को आईपीएल 2020 का चैंपियन बना दिया। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा जैसे बेहतरीन कप्तान और मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते इस साल की आईपीएल की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम बन गई है। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की टीम को इस साल के लिए उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कॉमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।